सनसनी। ढोल नगाड़े की धुन पर भगवा सदरी पहने बीजेपी के नेताजी वोट मांगने निकले हैं। चुनाव है सो पैर छूकर बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद लिया, दूसरे को भी प्रणाम किया और तीसरे की तरफ बढ़े ही थे कि उसने चप्पलों की माला उठा ली। पहले तो नेताजी हिचके, लेकिन कैमरा और भीड़ देखकर बुजुर्ग शख्स को रोक नहीं पाए और फिर बीजेपी उम्मीदवार का चप्पलों की माला पहनाकर कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। नेताजी की फजीहत होते देख बगल में मौजूद समर्थक ने झट से चप्पलों की माला उतार दी। नेताजी फिर उस बुजुर्ग के पैर छूने लगे जिसने उन्हें चप्पल पहनाई। नाराज बुजुर्ग ने हल्के से नेताजी को पीछे ढकेला और फिर जोर जोर से डांटने लगे। हाथ जोड़कर नेताजी सब सुनते रहे और फिर धीरे से निकल लिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद की हैं। नेताजी का नाम दिनेश शर्मा है। धामनोद निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं। डोर टू डोर कैंपेन करने निकले दिनेश शर्मा अपने क्षेत्र की जनता का मूड भांप नहीं पाए, लेकिन उनको यह अब तक नहीं पता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उनकी पीड़ा थी और मैं उनका बच्चा हूँ, उन्होंने बतकरा है, कोई बात स्वीकार है, ये उनका प्रेम है मेरे प्रति। आखिर पीड़ा नहीं बताई उन्होंने? नहीं, पीड़ा तो बताई नहीं उन्होंने। कहा तो ये जा रहा है कि प्रत्याशी बदले जाने से लोग नाराज हैं, लेकिन जिस बुजुर्ग ने चप्पल की माला पहनाई उसका गुस्सा पानी की समस्या की वजह से था। पानी की समस्या थी पूरे गांव को। नगर पंचायत में कम से कम 200 आदमी गए। तो भाइयां घर अध्यक्ष के घर चली गई, अध्यक्ष के घर गई तो उन अध्यक्ष ने रिपोर्ट कर दी सब भाइयों की, इसलिए मैंने जूतों की माला पहनी। आपको बता दें धामनोद नगर पंचायत पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, लेकिन जनता का गुस्सा वहीं का वहीं रहा और नए प्रत्याशी का स्वागत चप्पलों की माला से कर दिया। सनसनी।